हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो भी एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम दिए थे और अपने आंसर की का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और एसएससी के तरफ से एसएससी एमटीएस 2023 का आंसर की जो वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप अपने फ़ोन से जो है एसएससी एमटीएस 2023 का आंसर की जो वो चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन जो वो देखने को मिल जाएगा। और लेटेस्ट न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि आज जो आपका 17 सितंबर को जो है एक आपका नोटिस रिलीज़ किया गया है, जो कि आपका मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2023 अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर कीज यानी एमटीएस 2023 का जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो सिंपली जो आपको इस नोटिस पर क्लिक करके जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, आपके सामने जो है इस प्रकार से पीडीएफ जो वो खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है वो आपका 1/9/2023 से लेकर 14/9/2023 तक लिया गया था, यानी 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक जो है आपका एमटीएस का एग्ज़ाम जो वो लिया गया था। उसके बाद आपका यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपना आंसर की कब से कब तक चेक कर सकते हैं। तो 17/9/2023 4 PM यानी 17 सितंबर 2023 शाम 4 बजे से लेकर जो है 20/9/2023 यानी 20 सितंबर 2023 आप शाम 4 बजे तक जो है आप अपना आंसर की जो वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर लिंक फॉर कैंडिडेट रिस्पॉन्स सीट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली जो आपको इस लिंक पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने जो है कैंडिडेट्स लॉगिन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली जो आपको कैंडिडेट्स लॉगिन में क्या डालना है, तो आपको यहाँ पर रोल नंबर जो है वो फिल करना है। जैसे ही आप रोल नंबर फिल कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो फिल करना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर पासवर्ड के तौर पे जो है मैं क्या फिल करूँ। तो देखिए, पासवर्ड के तौर पे जो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। सपोज़ कीजिए आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 1996 है, तो आपको जो 1901 1996 जो आपको पासवर्ड के तौर पर जो है वो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बच्चे का जो है आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, एक बच्चे का जो है मैंने रोल नंबर जो है वो डाल दिया, उसके बाद इनका जो है पासवर्ड के तौर पे डेट ऑफ बर्थ भी जो है मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली जो आपको लॉगिन वाले सेक्शन पे जो वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आएगा, जहाँ पर आपको नोट जो वो देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली जो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो क्लोज वाले पे जो आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लोज वाले पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर। आपको यहाँ पर क्लिक हियर, ये जो आपको हियर दिख रहा है ना, तो सिंपली जो आपको हियर वाले सेक्शन पे जो वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हियर वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, आपके सामने जो आपका आंसर की वो खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले जो आपको अपना रोल नंबर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको अपना नाम देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको कहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था वो वेन्यू नेम आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिल जाएगा कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम टाइम जो देखने को मिल जाएगा कि किस शिफ्ट में जो है आपका एग्ज़ाम जो वो लिया गया था, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट जो वो देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप अपना आंसर की जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको अपना क्वेश्चन नंबर 1 चेक करना है। तो देखिए, आपने जो टिक किया ना, जैसे कि इस बच्चे ने जो ऑप्शन चूज़ किया था वो ऑप्शन 4 को चूज़ किया था, और एसएससी के तरफ से जो आंसर है ना वो ऑप्शन 3 को माना गया, यानी हर एक कलर में जो आपका यहाँ पर जो दिख रहा है वो एसएससी के तरफ से जो आपका आंसर की जो है वो रिलीज़ किया गया है। और आपको यहाँ पर चूजन ऑप्शन यानी जो एग्ज़ाम में आपने ऑप्शन चूज़ किया है आपको जो ये देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर की जो वो चेक कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स जो आ रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग जो है मैं कटअप पर भी जो है वो वीडियो जो आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।